यूपी के औरैया भारत विकास परिषद द्वारा निर्धन परिवारों के बच्चों की शादी कराने का निर्णय लिया गया। वहीं शादी समारोह पात्र निर्धन जो कि शादी में दहेज निधि दे सकते हैं ऐसे बच्चों को चिन्हित करके 7 जोड़ों की शादी कराने का निर्णय लिया गया। इस समारोह में 11 शादियां होनी थी लेकिन 7 पात्र ही मिले। संस्था है भारत विकास परिषद, वह सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों को कराती रहती है पूरे वर्ष में। आज सीताराम जी का विवाह दिवस है जिसे विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं। हमारी संस्था ने निर्धन गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सरल सामूहिक विवाह कार्यक्रम महोत्सव आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं कि घर गृहस्थी का पूरा सामान हमारी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है और जो भी विवाह कार्य हो रहे हैं वो वैदिक विधान के साथ में हो रहे हैं। हमारे सभी आचार्यों की टीम लगी हुई है, हवन की वेदी मंडप इत्यादि सारी कार्यक्रम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। संस्था के सभी सदस्यों के द्वारा सहयोग करके इस तरह से भव्य आयोजन, और भी जो लोग बाहर के लोग हैं वो भी इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए। तो आज ये विशेष अवसर है, इस विशेष अवसर पर इस विवाह को संपन्न किया जा रहा है। इसमें 7 निर्धन जो जोड़े हैं उनको दाम्पत्य सूत्र में आज बांधा जाएगा और उनके लिए जो संस्कार हमारे भारतीय पद्धति के हैं वो सारे संस्कार उनके पूरे सारे दिन कराए जाएंगे और उनको दान के रूप में उनके ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ताकि वे अपना दाम्पत्य जीवन आज से ही सुचारू रूप से शुरू करें उनको सभी सामान हम लोगों ने मुहैया करने का प्रयास किया। वही मुख्य अतिथि के रूप में औरैया के जिला अधिकारी पहुंचे, इस नई परंपरा की सराहना की। 11 तारीख को सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह कराया जाएगा, इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 250 जोड़ों को शामिल किया जाएगा। सामूहिक विवाह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है जो निर्धन परिवार है। भारत विकास परिषद द्वारा यह अनूठी पहल शुरू की गई है। इस अनूठी पहल का हम लोगों द्वारा कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका प्रचार प्रसार कर सकें। इसमें जो भी सहयोग हम लोग दे सकें अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से। ये भारत विकास परिषद का एक विशेष प्रयास है जिसमें सभी का प्रशासनिक सहयोग और सारी चीज़ें मिल रही हैं और इसी तरह के जो प्रयास हैं सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं। 11 तारीख को सामूहिक विवाह भी होना है और सामूहिक विवाह में करीब 200-250 जोड़े एकत्रित हो गए हैं और उनका एक सामूहिक विवाह भी जल्दी ही आयोजित किया जाएगा।